जेल में भाई को राखी बांधने गई बहने हुई भावुक। भाई को राखी बांधने के बदले जो चीज मांगी उसे सुन रो पड़ेंगे आप। मोदी की पहल से बहनों ने बांधी जेल में बंद भाइयों को राखी। भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन का एक भावनात्मक त्योहार है। भाई को राखी बांधने बहन हजारों किलोमीटर दूर चली जाती है, वहीं भाई भी अगर दूर हो तो बहन से अपनी कलाई पर राखी बांधने के लिए दूरी की नहीं सोचता। लेकिन सोचिए अगर भाई जेल में बंद हो, वो बहन से उसके घर पर जाकर राखी न बंधवा पाए और जिस बहन की रक्षा के लिए वह संकल्प लेता है उसी बहन को जेल में जाकर भाई को राखी बांधना पड़े, तो सोचिए उस बहन पर क्या बीतेगी। ऐसी सैकड़ों बहनें उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद की जेल में अपने भाइयों को राखी बांधने पहुंची। बहनों के हाथ में राखी थी, इस बात की खुशी भी थी कि आज वह अपने उस भाई की कलाई पर राखी बांधेंगी जो जेल की दीवारों में कैद है। लेकिन खुशी के साथ बहनों के दिल पर क्या गुजरी ये उन बहनों से सुनिए जिन्होंने राखी के बदले अपने भाई से वो चीज मांगी जिसे सुन हर कोई भावुक हो जाएगा। क्या मांगेंगे हमने राखी के, आप राखी बांधेंगे? मुझे अपने भाई से यही चाहिए कि वो अच्छे काम करे, अच्छे तरीके से रहे, कोई ऐसी दिक्कत ना करे, कि मुझे ये राखी बांध से यहाँ आने में थोड़ी दिक्कत हो, परेशानी हो। अच्छा नहीं लगता मुझे यहाँ राखी बांधने आना, बहुत बेकार लगता है, पर क्या करें, मजबूर है, भाई है मेरा, छोटा भाई है, आना पड़ेगा। बस जेल में आए हैं, अपने भाई के हाथ पे कलाई बांधेंगे और कुछ नहीं। बस हम तो यही चाहते हैं कि वो हमें यहाँ पे नहीं आना पड़े, मतलब जब भी हो त्योहार भाई बहन का तो भारी हो, बहुत दुख होता है यहाँ पे आते हैं तो, बस और कुछ नहीं। अच्छा, भाई की कलाई पे आप राखी बांधेंगे तो उसके बदले में क्या मांगेंगे? बस यही कि भाई हमारे ना कुछ ऐसा कोई काम करे, ना यहाँ पे आना पड़े, बस। इन बहनों पर क्या बीती है ये तो वही महसूस कर सकती है। लेकिन पीएम मोदी और सीएम योगी ऐसी पहल से बहनों को ये तसल्ली रही कि उनके भाई की कलाई सूनी नहीं रही। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बार आदेश दिया था कि जेल में सभी कैदियों को उनकी बहनों से राखी बंधवाने दिया जाए, साथ ही ऐसा माहौल दिया जाए ताकि बहनों को इस बात का दुख ना हो कि वह अपने भाई से मिलने जेल आई है, बल्कि वह ऐसे माहौल में भाई को रक्षा सूत्र बांधे जैसा घर में होता है। देखिए, इस बार जो है विशेष तरह का डायरेक्शन है हमारे यहाँ से, शासन को इसका डायरेक्शन है, मुख्यमंत्री जी का है, हमारे डीजी साहब का है और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी है डायरेक्शन इस बार की रक्षाबंधन जो मनाया जाए वो ऐसा न लगे जो मुलाकाती आए उनको, क्योंकि हम कहीं जेल में मिल रहे हैं, उनको घर जैसा माहौल दिया जा रहा है और कोई भी किसी तरह की असुविधा नहीं हो रही है। हमारे तमाम कर्मचारी, सिविल पुलिस और हमारे जेल के कर्मी जो है लगातार लगे हुए हैं, कुछ समाजसेवी जो है संस्थाएँ भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो हमारे मित्र लोग हैं, ये लोग यहाँ बाहर जो है खाने पीने का इंतजाम भी इन्होंने रखा है, बिस्किट का, नमकीन का और जो है जूस का इंतजाम, पानी का, शरबत का इंतजाम पूरा रखा गया है और इनको छाए के लिए या इस तरह की टेंट वगैरह लगाए गए हैं या किसी भी तरह की असुविधा हो तत्काल हमारे एक जो है यहाँ पर एक जेलर भी मौजूद है बाहर भी, जो बाहर की व्यवस्था देख रहे हैं। अंदर मैं स्वयं और मेरे जेलर साहब भी हैं साथ में और एक डिप्टी जो प्रभारी मुलाकात है वो लगातार जो हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, कोई भी किसी तरह की असुविधा नहीं होने पा रही है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि इस बार ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि लगे कि हम अपने घर में ही आए हैं, अपने भाइयों को यह राखी बांधने को माहौल हम लोग उसमें सफल हैं अभी तक। तो सबसे बड़ी चीज़ कि भावनात्मक त्यौहार है, इसको इस तरह का माहौल दिया जा रहा है कि हमें लगे हमारे बंदियों को भी, बंदी जो मिलने आए मुलाकातियों को भी, कि हम अपने घर में ही हैं और ये त्यौहार बड़े श्रद्धा से और बड़े भावपूर्ण तरीके से मनाया। जैसा कि सुना आपने, जिला और जेल प्रशासन ने बिल्कुल ये ध्यान रखा है कि जेल का माहौल अच्छा रखा जाए, साथ ही बहनों के लिए खाने पीने की भी व्यवस्था की गई। फिलहाल ऐसी पहल से लोग काफी प्रसन्न हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।